जीएसटी के क्लासरूम में आज है आपका चौथा दिन और आज हम बात करेंगे जीएसटी के उन चार नामों के ऊपर जिनके बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों ने चर्चा की लेकिन किसी ने आपको डिटेल में नहीं बताया कि वो चार नाम क्या हैं। इसके साथ ही हम उन लोगों के बारे में भी आज बात करेंगे जो आफ्टर जीएसटी कार खरीदने के लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें इतना डरा दिया गया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हमेशा की तरह आज हमारे एक्सपर्ट शरद कोहली जी हमारे इस कार्यक्रम में होंगे और इसके साथ ही हमारे साथ में आज एक ऐसी रिसर्च टीम है जिन्होंने तकरीबन एक साल से जीएसटी पर काफ़ी काम किया है और लगातार ये अभी भी काम कर रहे हैं। इनके कुछ सवाल और इनके कुछ सुझाव भी हम लेंगे लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे शरद कोहली जी उन चार नामों से जिनके बारे में हमने चर्चा की है, IGST, CGST, SGST, UTGST, GST तो सुना था, ये चार नाम क्या है? जी हाँ, देखिए सुनने में लगता है कि सरकार तो कह रही थी एक देश एक टैक्स, तो ये एक के चार कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग नाम जीएसटी लगा के सरनेम लगा के और अलग अलग टैक्सेस को पेश किया जा रहा है? परंतु ऐसा नहीं है। देखिए हम अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के लिए तो जीएसटी ही है, ये ज्यादा मतलब रखता है। देखिए आपका जब इनवॉइस बन के आएगा ना उसमें लिखा होगा CGST, SGST, मान लीजिए 18% का आइटम है, 9% वो, 9% वो, तो आम आदमी के लिए तो ये इतने काम का नहीं है। ये जो डिवीजन हम देख रहे हैं IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और UTGST है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो हो गए इनकी फुल फॉर्म। अब ये ग्राहक के लिए इतना मायना नहीं रखता प्रांजलि। तो फिर आपने क्यों आपने कहा कि हमारे क्लासरूम में इन चार नामों की चर्चा बहुत? मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब लोग देखेंगे कि ये IGST CGST है क्या, तो हमारे कम से कम दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हम ये किस बला का नाम है। तो है क्या कि जब सेंटर और स्टेट प्रांजलि आपस में जब बंटवारा करेंगे उस जीएसटी का, ये उन्होंने अपने लिए अपने बंटवारे के लिए रखा हुआ है। दूसरा, ये थोड़ा बहुत काम का है बिजनेसमैन के लिए, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि उनको जो सेट ऑफ मिलेगा वो इनकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब माल आप लेंगे कुछ, तो उस पर आपको IGST लगा दिखेगा। और आप अपने ही स्टेट में मान लीजिए दुकानदार से आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उसमें CGST SGST लिखा रहेगा। तो हमारे दर्शक हैरान ना हो कि कहीं 18% जिसका रेट था वो दिखाएगा CGST 9%, SGST 9%। तो कहीं वो देख के हैरान ना हो जाए, इसलिए हमने आज इसको चुना कि ये दो दो चीजें क्या है। असल में तो आपको 18% ही देना पड़ता है। जी हाँ, तो ये इस पे समझने वाली बात है, बाकी कोई इनको देख के चिंता करने की बात नहीं है। आम आदमी के लिए कोई इतना ज्यादा काम का नहीं है। अब अगला टॉपिक हम ले इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, जो आपने मुझे बताया था। जी हाँ, हम कार के टॉपिक पे आए उससे पहले मुझे लगता है क्योंकि शरद जी ने मुझे बार बार कहा कि हम अगर जीएसटी पे बात कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो है जीएसटी की बैकबोन। कैसे, हम इस सवाल के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ में एक रिसर्च टीम है। कोई सवाल आपका और एक साल के रिसर्च के बाद आपको क्या लगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे सवालों के घेरे में लिया जा सकता है? देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इस चीज पे रोशनी डाली जाए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक आम आदमी के लिए क्या महत्व है। आप क्या, आपके दिमाग में क्या सवाल आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर? इनपुट टैक्स क्रेडिट अब क्या, पहले जो अभी चल रही थी चीजें और जो अब चल रही है उसमें क्या डिफरेंस है आम आदमी के लिए या फिर किसी बिजनेसमैन के लिए क्या एडवांटेजेस आई है? देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट और कैसे ये बैकबोन है, मुझे सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब। जी हाँ, जीएसटी की रीढ़ की हड्डी प्रांजलि, आपने बिल्कुल बैकबोन ठीक कहा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो है अगर इसमें पूरे में जाती है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि जो हम अपने, जो व्यापारी अपने खर्चों पर टैक्स दे रहा है और जो आपसे वो चार्ज कर रहा है, उन दोनों को आपस में अब उसको घटाने की सुविधा रहेगी। हमने एक छोटा सा उदाहरण दर्शकों के लिए यहाँ पर लिया है। मान लीजिए ये एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ 100 रुपए अपनी परचेज पे दिए रॉ मटेरियल पे, 120 और टैक्स दिया, 80 और दिया, कुल मिला के मान लीजिए उसने 300 रुपए का टैक्स पे किया अपने रॉ मटेरियल और उसने जो भी सामान बना के आपको बेचा और उसने आपसे चार्ज किया 450 रुपए। एक ग्राहक से दिया 300 चार्ज किया 450, तो उसको ये 450, वैसे तो सरकार को 450 आपसे कलेक्ट किया है तो जमा करा देना चाहिए, पर उसको 450 नहीं जमाना कराना पड़ेगा, वो जो ये 300 उसने पे किया है उसको घटा के कुल 150 रुपए उसको सरकार को जमा कराने हैं, तो ये 300 रुपए उसकी जेब में आ जाएंगे। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ही अहम मुद्दा है।
जिसके बुना पर जीएसटी चलता है, जीएसटी का जो प्रणाली है सारी, वो सारी की सारी इनपुट। तो अब आम लोग ये सोच रहे होंगे शरद जी कि इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगेन मैं बेनिफिट पे आती हूँ। जी हाँ जी हाँ, बेनिफिट के जीएसटी। जी हाँ बिल्कुल, लोगों के दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या फायदा? अब जैसे कि हमारी ये यहाँ पर जो रिसर्च टीम बैठी है, इन्होंने पूछा कि आम आदमी के लिए ये कितना जरूरी है। आम आदमी के लिए जरूरी ये है कि जब आप दुकान से कोई सामान लेने जाएं, जब आप कोई सर्विस ले किसी से, तो आपके दिमाग में अगर ये बात हमेशा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस व्यक्ति को मिल रहा होगा, तो वो आपसे अगर ज्यादा पैसे किसी चीज के लेता है, आप उसको एक जानकार दर्शक की तरह, एक जानकार ग्राहक की तरह पूछ सकते हैं कि साहब आपने कीमत तो बढ़ा दी, क्योंकि शायद जीएसटी रेट किसी आइटम पे बढ़ गया हो, पर आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, क्या आपने उसका फायदा मुझे इस प्राइस में पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है। ये बहुत ही अहम बात है, और अगर लोगों में ये जागरूकता रहेगी तो कोई भी उनको सर्विस प्रोवाइडर उनको उनको बेवकूफ नहीं बना सकता, उनको वो ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। और शायद इसलिए भी कहा जा रहा है कि आज से पहले तो आप कच्चे बिलों के थ्रू अपना काम चला रहे थे, जी हाँ। लेकिन आगे से आप याद रखिएगा कि जीएसटी आने के बाद आपको कच्चे बिल कहीं भी नहीं लेने हैं, आपको पक्के बिलों पर ही अपने आप को बिल्कुल आधारित बना देना है, ताकि आपका कोई गलत फायदा नहीं उठा। बिल्कुल यही नहीं प्रांजलि, जो लोग कच्चे बिल देते हैं, जो दुकानदार या जो सर्विस कच्चे बिल पे काम करते हैं, उनके स्वयं के लिए भी अब ये मुश्किल हो जाने वाली है, क्योंकि जैसा जीएसटी का एक ध्येय है कि काले धन को ये रोकेगा, काले धन, ये कच्चा बिल काले धन ही बनाता है। हाँ। तो इसलिए जो है उनके खुद के लिए भी एक ये सरदर्दी। चलिए अब हम आते हैं कारों पर, जिसके लिए हमारे जो दर्शक थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला सवाल सर, क्या जीएसटी लागू होने के बाद, यानी कि 1 जुलाई के बाद, एक समझदार व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, वो कार खरीदे या ना खरीदे? क्यों ना खरीदे, बिल्कुल खरीदे। मेहनत से कमाया है तो मेहनत से कमाए हुए पैसे की कार तो वैसे चलती भी बहुत बढ़िया है प्रांजलि। तो देखिए हमने क्या किया है कि कारों की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। जो छोटी गाड़ी है 1200 सीसी से कम की, उस पर जो जीएसटी अब लगने वाला है 28+1 29%। मैंने प्लस एक इसलिए रखा कि ये स्टैंडर्ड रेट है, ये उसके ऊपर सरकार ने सेस लगाई है। और अगर हम स्मॉल कार 1500 सीसी से कम की लें डीजल, तो 28+3, मिड सेगमेंट में 1500 सीसी से ऊपर पहुंच जाए तो 43% तक हो जाता है सेस जोड़ के। कमर्शियल पे चले जाए 28 है, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पे 43% हो गया। जो कार है अब इसमें प्रांजलि समझने वाली बात क्या पड़ा? फर्क कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम एवरेज सबका ले संक्षिप्त में, तो करीब 3-4% आप समझ लीजिए कि थोड़ी सी रेट बढ़ गई है। परंतु समझने वाली बात क्या है कि वो बढ़ी हुई दर आपको दिखाई अवश्य दे रही है, पर जो हमने अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा, उसकी वजह से जो कार बेचने वाली कंपनीज हैं, वो शायद उसकी कीमत भी कम कर दें। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ये 3-4% बढ़ोतरी आपको सारे में एवरेज दिखाई दे रही है, वो शायद न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब उनकी कीमत कम। मतलब एक बात तो तय है कि आफ्टर जीएसटी कारों के दाम में 3-4% की बढ़ोतरी हुई है, ये बात बढ़ोतरी हुई तय है। लेकिन आपने एक रास्ता यहाँ पर ये बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, उसकी वजह से हो सकता है पहले से भी कम हो जाए। जी हाँ जी हाँ, यही ग्राहकों के समझने वाली बात है। इसी वजह से प्रांजलि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जरूरी समझा कि हमारे दर्शकों को, हमारे जीएसटी इन क्लासरूम को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, यद्यपि यहाँ पर बढ़ रही है, परंतु आप हैरान ना हो। तो जिनकी प्लानिंग या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके पैसे का जो फ्लो है वो 1 जुलाई के बाद आ सकता है, वो उसके बाद कार ले सकते हैं, तो लेकिन चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा आप रिसर्च कीजिएगा, ये जो लोग आपको जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि दाम बढ़ गए हैं गाड़ियों के, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे कि हम बता रहे हैं रीढ़ की हड्डी, उसका फर्क पड़ने के बाद हो सकता है कि उल्टा आपकी पसंदीदा आपकी कार का जो रेट है वो पहले से कम हो जाए। तो अगली क्लासरूम में हम आपकी किसी और काम लायक बातों पर हम चर्चा करेंगे, और कुछ ऐसे मुद्दों पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर के आप परेशान थे। मुझे लगता है कि हमें अगले सेगमेंट में हम बैंकिंग सेक्टर पे बात जरूर, कर सकते हैं। जरूर जरूर, क्रेडिट कार्ड तो सबकी जेब में होता है, क्रेडिट कार्ड पे बात कर सकते हैं, बहुत खास है, हम डेबिट कार्ड पे बात करेंगे। और हाँ, हम उनके लिए बात करेंगे जो प्लास्टिक मनी अभी तक यूज नहीं करते थे। लेकिन अगले सेगमेंट में आप जरूर रहिएगा हमारे साथ जीएसटी इन क्लासरूम में।